हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, कुछ आपके डाउट्स क्लियर करूंगा। एक्चुअली एक टॉपिक है जिसके बारे में मुझे काफ़ी मतलब क्वेश्चंस आते हैं कमेंट सेक्शन में और इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आते हैं कि एग्ज़ाम देना फॉर सेकेंड मेरिट कहाँ से बेटर है, यूएसए या सॉरी यूके से या फिर इंडिया से या फिर एनी अदर फॉरेन कंट्री। ठीक है, तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊँगा जिससे आपको हेल्प मिलेगी डिसीजन लेने में कि आपको एग्ज़ाम इंडिया से देना चाहिए या यूके से देना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो पहले बात करते हैं इंडिया से एग्ज़ाम देने का। अभी देखिए, इंडिया से एग्ज़ाम देने के लिए जो क्वालिफ़िकेशन चाहिए, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, उसमें आपके पास पीसीएम होनी चाहिए 12th में। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि 12th करीब ही है, पीसीएम भी है, तो हम जीपी रेटिंग लेके हो जाएंगे। समटाइम्स ऐसा होता है कि आपके कट ऑफ के जितने मार्क्स नहीं आ पाते हैं, जैसे पीसीएम में 60% चाहिए होती है, ठीक है, एंड कम आ जाती है, तो लोग जो है जीपी रेटिंग कर लेते हैं। बट मेरा सजेशन ये है कि आप एक साल और ड्रॉप करके अपनी जो परसेंटेज है उसको थोड़ा बढ़ाइए एंड ट्राई टू अचीव 60% or more than 60% सो दैट यू कैन गो फॉर डीएनएस एंड बीएससी नॉटिकल साइंस। अदरवाइज ऐसा होता है कि मतलब आप ड्रॉप करके कंप्लीट भी कर लेते हैं, पीसीएम में अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, बट लोगों का बजट नहीं होता है, बिकॉज डीएनएस और बीएससी नॉटिकल साइंस ये स्मॉल बजट कोर्स नहीं है, दे आर अ बिट एक्सपेंसिव कोर्सेज। सो डीएनएस अराउंड 5 to 6 lakh है एंड आई थिंक बीएससी नॉटिकल साइंस इज 9 to 10 lakhs और मोर देन 10 lakhs, तो कुछ लोगों का बजट नहीं हो पाता है। सो दे ऑप्ट फॉर जीपी रेटिंग कोर्स विच कॉस्ट अराउंड 2 lakhs, मैक्सिमम 2 lakhs, और कुछ ज़्यादा अच्छे इंस्टीट्यूट हैं तो 2.5 lakh जो प्लेसमेंट ऑफर करते हैं, 2.5 lakh, लाइक दैट। सो अभी बात ऐसी है कि इंडिया से एग्ज़ाम देने की सोच रहे हैं इस सिनेरियो में कि आपके पास 12th है, पीसीएम है, ठीक है, और आपने जीपी रेटिंग करा है। सो 12th हमारी एक्चुअल में हो जाती है अराउंड 17 to 18 years, जब आप 17-18 साल के होते हैं तो आपकी 12th हो जाती है। सो उसके बाद जीपी रेटिंग अगर आप करेंगे तो 6 महीने का कोर्स होगा, ठीक है, और तो 19 के आप हो जाएंगे, फिर प्लेसमेंट के लिए भागा दौड़ी होगी। अगर आप लकी रहे तो आप जैसे जैसे सिनर्जी एग्ज़ाम कंडक्ट करती है, एग्ज़ाम दे के आप पास हो गए, ज्वाइनिंग हो गई, तो इट्स वेरी वेरी गुड। अदरवाइज एजेंट के थ्रू जाएंगे, किसी और तरीके से जाएंगे तो थोड़ा टाइम लगता है। सो मान लेते हैं 20 तक आपको ज्वाइनिंग मिल गई, ठीक है, फिर उसके बाद 4-5 साल जब आप सेल करेंगे टू गेट टू कंप्लीट ईयर 36 मंथ टोटल सी एक्सपीरियंस, तो आप 24-25 तक के हो जाएंगे, ठीक है, फिर आप इंडिया से एग्ज़ाम देंगे। अगर तो 24-25 तक आपने अच्छे खासे पैसे, मतलब इफ़ यू आर प्लानिंग टू गिव एग्ज़ाम तो पैसे जमा करना आपको पड़ेगा, ठीक है, तो 24-25 के बाद आप इंडिया से अगर एग्ज़ाम देना शुरू करेंगे तो इंडिया में क्या प्रोसेस होता है कि पहले आप जो है फाउंडेशन कोर्स देंगे, ठीक है, वो 2 महीने का कोर्स होता है, फिर उसके बाद एनसीबी होता है, वो 4 महीने का कोर्स होता है, फिर फंक्शंस होते हैं, वो भी 4 महीने का कोर्स होता है, तो 1 साल तो इस कोर्स में निकल जाएंगे और इनके एग्ज़ाम्स में, और प्लस इसमें कुछ एडवांस कोर्सेज होते हैं, ठीक है, मॉड्यूलर कोर्सेज, दिस एक्डिस, आरपा, जीएमडीएसएस, ये सब, तो ये टोटल ओवरऑल कोर्स वगैरह एग्ज़ाम वगैरह सब निकाल निकल के आप लगा लो 2 साल के अंदर अंदर आप इंडिया से इंडियन सीओसी निकाल सकते हैं, ठीक है। इंडिया की जो सीओसी है वो हाईएस्ट है, टॉप नंबर 1 पे आती है, आफ्टर दैट अदर सीओसी कम्स, ठीक है, सो यूके की भी 2nd पे आती है। तो विद इन 2 ईयर्स इफ़ यू हैव सक्सेसफुली क्लियर योर एग्ज़ाम्स इन फर्स्ट अटैम्प्ट ओनली, तो 2 साल लगा लो आप, ठीक है, 2 साल में आप क्लियर हो जाओगे, तो 27-28 के हो गए, तो 27-28 में आप 3rd officer बन सकते हैं, ठीक है। एंड पैसे की बात करें तो बहुत ही कम पैसे कंपैरेटिवली टू यूके, ठीक है, उसके मुकाबले आपको बहुत ही कम पैसे लगेंगे। यूके में लगते हैं अराउंड 15 to 20 lakhs एंड यहाँ पे आपको लगेंगे 2 lakh 2.5 lakh मैक्सिमम, 2 to 2.5 lakhs, आपके पैसे भी बहुत सेव हो जाएंगे, ठीक है,
और टाइम थोड़ा लगता है, टाइम यूके से भी आप दोगे तो लगेगा, बट इंडिया से थोड़ा सा ज़्यादा लगता है बिकॉज़ थोड़ा लंबा प्रोसेस है एंड पढ़ना आपको दोनों ही जगह है, ठीक है। इट्स नॉट लाइक कि यूके में इजी है और यहाँ डिफिकल्ट है, यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा हार्ड है बस, लेकिन पढ़ना दोनों जगह ही पड़ेगा। अब अगर आप इंडियन COC होल्ड करते हैं, तो अगर आप किसी ऐसी कंपनी में आपने अपने 36 मंथ कंप्लीट करे हैं सेलिंग के, जो प्रमोट करती है रेटिंग टू ऑफिसर, सो इट्स अ वेरी गुड थिंग, ठीक है। बिकॉज जो इंडियन COC होल्डर होते हैं, यूजुअली दे डायरेक्ट गेट प्रमोटेड टू थर्ड ऑफिसर, उनको डायरेक्टली थर्ड ऑफिसर में सेल करा देते हैं, ठीक है, आफ्टर गेटिंग इंडियन COC। देन वंस यू गेट ऑन बोर्ड एज अ थर्ड मेट विद इंडियन COC, तो उसके बाद जितने भी आपके आगे के एग्जाम्स हैं वो सब आप इंडिया से ही देंगे, फॉर चीफ ऑफिसर एंड फॉर मास्टर, लाइक दैट, ठीक है। तो सब कम बजट में सब हो जाएगा इंडिया से ही। तो ये पूरा सिनेरियो है। अभी कोर्स की फीस वगैरह अभी लगा लीजिए, फाउंडेशन 10,000 का होता है, NCV 40 का होगा, दिस फंक्शंस 30-35 तक का हो जाएगा, फिर ये जो आपके एडवांस और GMDSS, मैक्स टू मैक्स इसको खींच लो 50 तक हो जाएगा। तो मतलब ये सब मैं बता रहा हूँ, रहना खाना पीना मिला के 2 लाख 2.5 लाख तक आपका पूरा कोर्स सारे मुंबई से ही होंगे, ठीक है। तो वहाँ पे आपका जो पूरा टोटल एक्सपेंडिचर है इतना ही आएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट यूके। यूके में क्या सीन है, वहाँ पे PCM की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। आप 10th पास हैं तो भी चलेगा, ठीक है। और उनको सिर्फ 36 मंथ सी सर्विस चाहिए टोटल, दे डू नॉट आस्क फॉर PCM एंड एनीथिंग, तो 36 महीना उनको चाहिए। अब यूके से एग्ज़ाम देने का क्या क्राइटेरिया है, दो मेथड आ रखे हैं अभी करेंटली, दो ही मेथड चल रहे हैं। फर्स्ट इज 9 मंथ्स एंड सेकेंड इज 3+6, विच इज कोलेबोरेशन वन। तो 9 मंथ्स वाला जो है वो पूरा कोर्स आप यूके जाके 9 मंथ्स करेंगे वहाँ पे, उसके बाद क्लियर करके आप वापस आएंगे। और 3+6 में क्या है, 3 महीना आप इंडिया में किसी इंस्टीट्यूट में करेंगे कोर्स सेम, विच इज़ कोलेबोरेटेड विद एनी यूके कॉलेज, इसका कोलेबोरेशन है किसी यूके कॉलेज के साथ, 3 महीने यहाँ करके फिर आप यूके जाएंगे, 6 महीना वहाँ करेंगे और फिर एग्ज़ाम और ओरल दे के आ जाएंगे, ठीक है। पैसों का कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, दोनों में पैसे सेम ही लगते हैं, 15 to 20 lakhs इतना आपको सेव करना पड़ेगा अपने पास, जो आपकी 36 मंथ की सेलिंग है उसमें, ठीक है। पैसे में कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस कहाँ आता है, जो 9 मंथ्स वाला है उसमें आपको वर्क वीज़ा मिल जाता है, ठीक है। सो वहाँ पे आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं, कुछ अपने पैसे रिकवर कर सकते हैं। एंड सेकंड थिंग, 9 मंथ्स वाले में आपको आईलेट्स का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ठीक है। तो आईलेट्स क्या होता है, एक इंग्लिश टेस्ट होता है, इंग्लिश बेस्ड टेस्ट, जिसमें आपकी कैपेबिलिटीज़ देखी जाती है, रीडिंग राइटिंग हेयरिंग स्किल्स ऑफ इंग्लिश। तो उसमें आपको कुछ 5.5 समथिंग बैंड एक्वायर करना होता है आउट ऑफ 10 फॉर यूके, तो इतना ही चाहिए होता है। बट जो कोलेबोरेशन वाला होता है उसमें, 3+6 वाले में, उसमें ना आपको वर्क वीज़ा मिलेगा, वर्क वीज़ा भी नहीं मिलता है, ठीक है। सेकेंड थिंग, उसमें आईलेट्स देने की भी ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। सो इट्स अप टू यू विच ऑप्शन यू वॉन्ट टू चूज़। नाउ यूके में एक्सपेंडिचर, यूके का जो बजट है वो काफ़ी ज़्यादा चला जाता है। अभी देखिए 15 to 20 में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आजकल यही फीस चल रही है बीच में, टोटल एकोमोडेशन फूड दिस ट्रैवलिंग टिकट एंड ऑल सब मिला मिलू के जो इतना ही आ रहा है। और फिर ऊपर से अगर आप 9 मंथ्स वाला करेंगे तो आईलेट्स के लिए भी पहले कोचिंग लेनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए भी 5-10 हज़ार रुपये शायद उसकी कोचिंग फीस है। फिर उसके बाद एग्ज़ाम देने के लिए भी अलग से फीस है, 20-25 हज़ार है शायद, कितनी पता नहीं। तो थोड़ा वहाँ पे भी एक्सपेंडिचर है। और 9 मंथ्स का कोर्स है बट वीज़ा आपका शायद 12 महीने का लगता है, 12 या 13 महीने का, सो दैट यू कैन, अगर समहाउ आप फेल हो गए रिटर्न में तो आप दोबारा से अटेम्प्ट दे सकें, ठीक है। और ओरल तो घर से ही होता है, ऑनलाइन वीडियो कॉल पे, ठीक है। तो ये सीन है, बट इसमें पैसा बहुत लग रहा है एंड इसमें भी टाइम अराउंड 1.5 साल तक लग जाता है, ठीक है। 1.5 साल तक लग जाएगा आप यूके से भी अगर देंगे तो, पूरा
बाकी के कोर्स वगैरह और भी जो मॉड्यूलर कोर्सेज एडवांस कोर्सेज है वो सब आपको करने ही पड़ेंगे। तो आपको जो है 1.5 लाख सॉरी अपना 1.5 साल तक लग जाएगा। फिर उसके बाद ज्वाइनिंग ज्वाइनिंग का सीन ऐसा होता है कि सेम जैसा मैंने बोला है कि अगर आप किसी ऐसी कंपनी में काम कर रहे हैं जो रेटिंग टू ऑफिसर आपको प्रमोट कर रही है तो वो आपको श्योरली कंसिडर करेगी, बट वो फर्स्ट आपको एज अ कैडेट भेजेंगे। यू विल गो ऑन बोर्ड एज अ कैडेट, ओके, और एज अ ए बी यू विल गो एंड दे विल पुट यू ऑन वॉच विथ थर्ड ऑफिसर सीखने के लिए, मतलब ये सब चीज़ें। तो आपको डायरेक्ट थर्ड ऑफिसर में नहीं भेजेंगे, तो फॉर 6 मंथ्स और आई थिंक 9 मंथ्स दे विल सेंड यू ऑन बोर्ड एज एन ए बी, और आप थर्ड मेट के साथ रहेंगे, चीज़ें सीखेंगे और वो आपको ऑब्जर्व करेंगे, तब बताएंगे कि आप हैंड ओवर लेने के लिए इंडिपेंडेंट वॉच करने के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं है, ठीक है। तो उसमें डायरेक्ट थर्ड ऑफिसर में लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सो यही है समराइज वे इंडिया प्लस यूके। नाउ इट्स अप टू यू फ्रॉम वेयर यू वॉन्ट टू गिव एग्ज़ाम, ठीक है। अभी मेरा क्या मानना है कि अभी जैसे आपने अपना सेकंड मेट का यूके से दे दिया, तो बाकी के जितने भी आपके एग्ज़ाम्स हैं आगे के वो आपको चीफ ऑफिसर का मास्टर का सब यूके से देना पड़ेगा, और सब एवरी टाइम दिस मच एक्सपेंडिचर यू हैव टू स्पेंड, तो इतना खर्चा आपको करना ही पड़ेगा, 15 से 20 लाख चीफ ऑफिसर के लिए भी मास्टर के लिए भी, ठीक है। और हर बार यूके जाना पड़ेगा, तो बड़ी दिक्कत वाली बात है ये कि आप कमा कम रहें गवा ज़्यादा रहें। सो नाउ अभी मेरा सजेशन ये है कि अगर आप अर्ली स्टेज में अर्ली एज में स्टार्ट कर दिया आपने सेलिंग, जैसे मैंने बोला कि आप अगर जो है 20 तक आपने सेलिंग स्टार्ट कर दी है तो यू शुड गो फॉर इंडिया, ठीक है। एग्ज़ाम के लिए आपको इंडिया से जाना चाहिए क्योंकि आपके पास इनफ टाइम है। एंड अगर आप लेट स्टार्ट किया है, ठीक है, सेलिंग, और फिर तो आपको पैसे बचाने ही पड़ेंगे, ठीक है, लेट स्टार्ट किया है, सो इट्स बेटर अगर आपकी चौथी सेल 28 या 29 की एज में कंप्लीट हो रही है, सो इट्स बेटर यू गो फॉर यूके, ठीक है, यूके से जाइए। एंड डिपेंड्स, अगर आपके पास बजट है, अगर नहीं है तो फिर आप इंडिया से ही दीजिए, इंडिया इज़ बेटर ऑप्शन। सो दिस इज़ माई सजेशन एंड दिस इज़ द कंक्लूजन ऑफ दिस वीडियो। सो इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।